अब हम चलते हैं स्पेसिफिक यील्ड होती है एक टर्म, स्पेसिफिक यील्ड। कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है यहाँ, यील्ड का मतलब क्या है कि कितना पानी हम निकाल सकते हैं। वो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन एक्चुअली बी ड्रेन पर यूनिट डिक्लाइन इन द वाटर टेबल इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। और इफेक्टिव पोरोसिटी भी इसको बोलते हैं। मैं क्या बच्चे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अच्छा सा फ्रॉम एन एक्वीफर ऑफ सैंड वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी स्टोर्ड इन डेप्थ 2 मीटर हाउ मच वाटर कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट वॉल्यूम। कितना पानी हम वहां से निकाल सकते हैं। मैं करवा देती हूँ इसको। देखो बेटा इसमें दो क्वेश्चन पूछे है ना कि कितना पानी स्टोर होगा वहां पे, ठीक है, और कितना हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है। अब स्टोर का मतलब कितना पानी स्टोर है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर ना। यस मैम। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि कितनी पोरोसिटी है वहां पे, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमारा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का, ठीक है। अब पोरोसिटी कितनी है बेटा, इसकी ना पोरोसिटी और स्पेसिफिक यील्ड की ना टेबल होती है, वो या तो एग्जाम में देगा तुम्हें, अदरवाइज या तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। वो टेबल मैं अभी लिखवा देती हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे पोरोसिटी, किस चीज की पोरोसिटी हमें यूज करनी है, सैंड की। सैंड दिया ना क्वेश्चन में, एक्वीफर जो है वो किस चीज का बना है, सैंड का बना है। तो पोरोसिटी ऑफ सैंड कितनी होती है, 0.34 इंटू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल। निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, क्योंकि देखो डायमेंशन दे रखी है। टू
कितना होगा? 2 मीटर यस क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, कितना वाटर स्टोर है उसके अंदर? 0.68 मीटर क्यूब. यस ये मैम. पानी तो उसके एक्वीफर के अंदर स्टोर है. अब उसने पूछा है सेकंड, उसमें हाउ मच वाटर कुड बी एक्सट्रैक्टेड, हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हमें यील्ड निकालनी है, और यील्ड का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना बेटा. अगेन स्पेसिफिक यील्ड आपको दी होगी, मैं टेबल लिखवाऊंगी. तो सैंड की होती है 0.25 इनटू ये कितना होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना निकला था? 0. नहीं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 2 था ना, अभी निकाला था ना हमने, ये रहा दोनों को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन है. मैं एक बार फटाफट से टेबल भी लिख लो आप. मैम 0.34 कहाँ से आया? पोरोसिटी में, पोरोसिटी दी ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो तो दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नहीं दिया हुआ. क्या बोल रहे हो शीतल? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो ये पता नहीं चला मुझे. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने लिखा है पहले वाला, पोरोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. हाँ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना आपको, क्योंकि उस प्रोसेस उस एक्वीफर की ना डाइमेंशंस दी हुई थी. ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर इनटू 2 मीटर. तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे ना मीटर क्यूब में, तो ये इस तरीके से 2 आया है यहाँ पे. तो ये दोनों फॉर्म क्या, 0.34, 0.34. ये पोरोसिटी, मैं भी टेबल लिखवा रही हूँ, वो टेबल होती है इसकी ना. 3 कॉलम बना लो, यहाँ पे लिखेंगे हम मटेरियल, किस मटेरियल की पोरोसिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे पोरोसिटी विच इज इन परसेंटेज. और स्पेसिफिक यील्ड भी परसेंट में. और याद रखना बेटा ये परसेंट में है. जैसे क्ले की मैंने ली है, यहाँ क्ले होता है 45 पोरोसिटी होती है उसकी, और 3. फिर आता है हमारा सैंड, 34 उसकी क्या होती है, पोरोसिटी. इसलिए मैंने 0.34 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में था ना. मैं परसेंट हटाऊंगी तो 0.34 हो जाएगा ना, ये 34 का. मैम स्पेसिफिक परसेंटेज दी हुई है, और इधर पोरोसिटी का ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज? परसेंटेज, परसेंटेज कल आप लोगों की 11 बजे क्लास है? मैम 2 बार होगी कल. नहीं, शाम को नहीं होगी फिर. अभी बता देना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना 11 बजे में, कभी गायब रहो सबके साथ. मैम चलो आगे करते हैं. हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक होता है, देखो क्या होता है हमारा. ये डायग्राम बना लेना.
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू डी एच बाई डी एल. ठीक है, डी एच चेंज इन हाइट. हाइट देख रहे हो ना, दो हमारी क्या है, वेल है, उनके बीच में उनकी हाइट क्या क्या है मीन्स, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना, दैट इज द एल. ठीक है, हाइड्रोलिक हेड जिसको हम बोलते हैं. फिर एक आता है बेटा, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को याद रखना, डी एच बाई डी एल होता है. फिर डार्सी लॉ के बारे में सुना है तुमने? यस मैम. क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू के ए इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज डी एच बाई डी एल. ठीक है, Q हमारा क्या है, फ्लो रेट. ये क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. और कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी. ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. और क्या रह गया, डी एच बाई डी एल क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. फिर एक होती है हमारी डार्सी वेलोसिटी. इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ये होती है हमारी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू के डी एच बाई डी एल. इसको हम बोलते हैं डार्सी वेलोसिटी. तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ए इंटू बी, है ना, क्यू का ये फ्लो रेट का ये फॉर्मूला भी हो सकता है ना. इसके इंटू डी एच इंटू डी एल के जगह में अगर बी लिख दू डार्सी वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा. चलो उसके बाद हम पेस्टिसाइड्स के बारे में देखते हैं. पेस्टिसाइड्स होते हैं ना हमारे, मैम एक मिनट पीछे करो, बैक स्लाइड करनी है. हाँ पीछे करो. ओके मैम, हो गया. अच्छा देखो, पेस्टिसाइड अलग अलग तरह के होते हैं ना बेटा. कुछ होते हैं हमारे जो स्पेसिफिक एक उसके लिए बने होते हैं, वो बाकी औरों को क्या करेंगे, जो उनका टारगेट है खाली उसी के ऊपर इफेक्ट शो करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे. जैसे कि इंसेक्टिसाइड किसके लिए यूज होता है, इंसेक्ट्स के लिए होता है ना. एल्गीसाइड एल्गी के लिए, नाम से नहीं समझ आ रहा. हर्बिसाइड बोलो, हर्ब्स के लिए. वीडिसाइड, वीड्स, वीड्स, ठीक है. और रोडेंटिसाइड्स, मैम रोडेंट्स के लिए, जैसे कि चूहे, है ना, रैट्स और माइस. रोडेंट. और लार्विसाइड, मैम लार्वास, लार्वा किल करने के लिए. पीसीसाइड, पीसी मैम फिशेस के लिए होता है ना. यस मैम. पीसी कल्चर सुना नहीं? यस मैम. यस मैम.
सॉरी एवी साइड्स बर्ड्स बर्ड्स के लिए बर्ड निमेटी साइड्स नेमाटोड्स के लिए नेमाटोड्स यस मैम ठीक है चलो अब ये तो क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप कि क्या टारगेट है उनका ना अब हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर भी करते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन ठीक है तो इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या होता है ये एक तो हमारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं सिंथेटिक इन नेचर दे आर स्टेबल इन नेचर लॉन्ग परसिस्टेंट इसका एग्जांपल है डीडीटी डीडीटी हो गया डीडीई हो गया डीडीडी हो गया एल्ड्रिन डाइल्ड्रिन एंडोसल्फान ठीक है क्लोरोडेन जिसके अंदर भी क्लोरीन होगा ना ऑर्गेनोक्लोरीन नाम है ना इसका हेप्टाक्लोर अच्छा डीडीटी क्यों बैन है क्या प्रॉब्लम है डीडीटी से वो बायोमैग्निफिकेशन और डीडीटी भी बेटा क्या होता है डीडीटी बायोमैग्निफाई करता है ना यस मींस इट इज लिपोफिलिक इन नेचर यस लिपोफिलिक का मतलब क्या है फैट सॉल्युबल फैटी हो जाता है बताओ डीडीटी क्यों क्या है डीडी के अंदर क्या डीडीटी क्यों बैन है एंडोसल्फान एंडोसल्फान भी है ना इसके अंदर हाँ ये रहा एंडोसल्फान पता है कुछ इसके बारे में मैम हाँ केरला में वो इस है ना एक केस स्टडी हाँ एंडोसल्फान को स्प्रे किया गया था केरल में ना जो काजू की खेती के ऊपर कैशू है ना तो वहां पे इसने बहुत नुकसान पहुंचाया था इसको पूरा हवा में से स्प्रे किया गया था तो उसकी वजह से वहां पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हुए थे क्यों क्योंकि एंडोसल्फान भी क्या करता है इट इज अ टाइप ऑफ टेरेटोजेन टेरेटोजेन मैंने बताए थे क्या होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाए फ्रॉम अ प्रेग्नेंट लेडी से उसके ही जो उसके वो में जो बेबी है उसको ट्रांसफर हो जाता है तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे वहां पे हुए थे क्योंकि वो हवा में जाके स्प्रे किया था ठीक है उसके बाद डीडीटी हमें पता है कि क्या करता है दैट इज अ बायोमैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग नेचर ठीक है बायोमैग्निफाई होता है और क्या करता है अच्छा इसका डीडीटी का सबसे बड़ा किसके ऊपर इम्पैक्ट होता है बर्ड्स के ऊपर ना मैम उनके एग को वो कर देता है हैचिंग हैचिंग होने पर है ना वो क्या करता है ये कैल्शियम को कम कर देता कैल्शियम डिस्ट्रप्टर होता है ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है जो उनका एग्शेल होता है बहुत वीक हो जाता है वो हैच होने से पहले ब्रेक हो जाता है तो इस तरीके से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है क्यों डीडीटी की वजह से ठीक है मैम जी तो बैन है ना हाँ बैन ही चलिए अब है दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट They are biodegradable. Yeah. But more toxic than organochlorine. Okay. Residence time होता है इनका
1 to 2 weeks. इसकी एग्जांपल लिख लेते हम, पैराथन, मैराथन, मिथाइल पैराथन, दे आर न्यूरोट्रांसमीटर. फिर थर्ड कैटेगरी हमारी लिख रहे हो तो बताओ. हो गया मैम. कार्बामेट्स, ये किसका बनाता है? कार्बोनिक एसिड. इसकी एग्जांपल लिख लो, कार्बरिल, ये जिसको हम 7 रूल बोलते हैं. कहीं सुना है ये नाम? यस मैम. शीतल सुना है ये नाम कार्बरिल? यस मैम. कार्बाइल सुना हुआ है, 7 नहीं सुना. 7 भी बोलते हैं इसको क्या? 7 क्या लिखा हुआ मैम ब्रैकेट में? 7 हाँ सुना है, मैं ये पूछ रही हूँ मैम. कार्बाइल तो सुना है, 7 नहीं सुना. हाँ कार्बाइल बता दो, कहाँ सुना है मैम? वही पेस्टिसाइड्स में पढ़ा है. अब पेस्टिसाइड में तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, और कहीं नहीं सुना. ये सुना है पोस्टिन? यस मैम. कौन बोला यस? सुना तो है. तो कहाँ? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ. याद नहीं है. क्यों याद नहीं है? मतलब ये याद नहीं है तुम लोगों को? कौन कौन है क्लास में? 4 ही लोग आए ना क्लास में. भी आप बताओ, सुना है ये पोस्टिन? पोस्टिन इज अ गैस बिकॉज़ ऑफ कुछ. गैस तो है लेकिन कहाँ थी ये गैस? कहाँ कुछ था इसके बारे में? भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ी है? Yes, हाँ हाँ मैम वही. अरे मैम वाह, बस आपने तो आपने तो बिल्कुल जिंदगी जीवन दान दे दिया हमें ये बता के. मैम मैं ये सोच रही थी कि ये बस सोचते रहना एग्जाम में भी. सुना है ना? यस मैम. भाई इसको मत भूलो तुम, इसका बहुत बड़ा रोल है. क्या रोल है भोपाल गैस ट्रेजेडी का? इसके वो मत बताना किसने इसकी वजह से ये हो गया था. वो ट्रेजेडी है तो नाम समझ आता है, मैं फिर भी इसकी वजह से क्या बड़ा चेंज हुआ है? मैम स्मेल आ गई थी ना? नहीं 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 मैम, वो बना था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. 84 में हुआ था. तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो किसकी देन है? वो भोपाल गैस ट्रेजेडी की देन है. क्योंकि ये ट्रेजेडी कब हुई थी? इन विच ईयर? 1984 मैम. हाँ. कौन कौन से दिन हुई थी? सेकंड, थर्ड दिसंबर. अब इतना ज्यादा इसका इफेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि दिसंबर में विंटर्स के टाइम पर हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया ना. यस तो उसी का इसमें बहुत बड़ा रोल था. तो इस तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है. तो ये वही कार्बरिल फोस्जिन है जो MIC थी ना, इसी को बना रहे थे. MIC को बना रहे थे जिसमें ये फोस्जिन ये सारी चीजें यूज होती है. ठीक है चलो. अब जो मेन चीज है ना मैं आपको इसमें बता देती हूँ. इनका जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेजिडेंस टाइम या परसिस्टेंस टाइम.